तुम किस ओर अग्रसर हो? पाटलिपुत्र। यदि तुम पाटलिपुत्र जा रही हो तो मैं तुम्हें अपनी नौका से छोड़ दूंगा। वहां शीघ्र पहुंचने का सबसे अच्छा मार्ग वही है। पता नहीं क्यों ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे ये व्यक्ति और कोई नहीं, मेरा अशोक ही है। पत्नी हूं आपकी, क्या मुझे आपकी सेवा करने का अधिकार नहीं है? अवश्य। अप्रतिम, सम्राट मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? अवश्य। मैं आपको कैसी लगती हूँ? ये भी क्या कोई प्रश्न हुआ? प्रश्न जैसा भी हो मुझे आपसे उत्तर चाहिए। आप हमारी प्रथम पत्नी हैं, हमारे ज्येष्ठ पुत्र की मां, निश्चित ही अच्छी लगेगी। अच्छी या बहुत अच्छी? अब सम्राट जरा इसे बांध देंगे। Thank you.
तुम्हें पुनः पाकर यह इच्छा होती है कि संसार से दूर चला जाए, जहां हम दोनों के बीच कोई ना होगा। मुझे ऐसी इच्छा नहीं होती, क्योंकि मेरे संसार ही आप हैं। यदि ये वो नहीं है तो ऐसा आभास क्यों हो रहा है, जैसे मैं आज इससे पहली बार नहीं मिल रही हूँ? क्यों मेरा मन बार बार इसकी ओर खींचा जा रहा है? हे शिव शंभु, इन 10 वर्षों में मैंने अशोक के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगा आपसे, और यदि आज अशोक मेरे समक्ष है तो कोई तो संकेत दीजिए मुझे। भोर की लालिमा में प्रकृति और भी सुंदर हो जाती है। इसे प्रकृति की सूझ रही है, ये दिखाई नहीं दे रहा कि उसकी कर्व की उसकी आंखों के सामने है। मेरा मन बार बार यही कह रहा था, ये मेरा अशोक है, और मेरा विश्वास झूठा नहीं था। परंतु यहां से अपने प्रेम के सामीप्य का, उसके सानिध्य की अनुभूति नहीं हुई होगी? जब मेरे मन को अशोक की उपस्थिति का आभास हो गया, तो क्या अशोक को नहीं हुआ होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने वर्षों में वो मुझे भूल गया हो, अपने प्रेम को भूल गया हो? नहीं नहीं, ऐसी बात की कल्पना भी नहीं करना चाहती हूं मैं। तुमसे एक प्रश्न पूछूं, तुम्हारा विवाह हो चुका है? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ। विवाह? विवाह वाला विवाह नहीं, वो वैसा वाला विवाह जो हम किसी से विवाह जैसा संबंध छोड़ लेते हैं और वो विवाह होता नहीं है, वैसे वाला विवाह। ये कैसा विवाह है? रहने दो, मेरा प्रश्न ही निरर्थक है।
हम शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। वही स्वभाव, वही कठोरता, अपने हृदय की बात को प्रकट नहीं करना, कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ तुम में। परिवर्तित हुआ है तो केवल तुम्हारा प्रेम, तभी तो तुम अपनी कड़वकी को पहचान नहीं सके। यहां से तुम्हारी और मेरी यात्रा समाप्त होती। अब से तुम्हारा मार्ग अलग और मेरा मार्ग अलग। तुम्हारी दृष्टि में ये यात्रा समाप्त हो गई, परंतु मेरी यात्रा का लक्ष्य तो तुम हो अशोक। मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अशोक और कौरवकी अब कभी नहीं बिछड़ेंगे। करोड़, तुम तो जानते हो कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है। जोखिम अब और भी बढ़ चुका है। मैं कौरवकी के प्राणों को पुनः जोखिम में नहीं डाल सकता। पीछा करने की आदत गई नहीं तुम्हारी अब। पीछा? इससे पूर्व कब किया था तुम्हारा पीछा? वन में? वन से ही तो तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। ये तो मुझे कहना चाहिए था, पीछे तो तुम पड़े हुए। भूल गए? विवाह वाली बात इसलिए कही थी ताकि यदि इस पूरे वन में तुम अकेली हो तो तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर सकूं। मैं बेचारी अबला नारी, भोली भाली, इस पूरे विशाल वन में अकेली तुम्हें देखा तो आभास हुआ कि तुम अवश्य मेरी सहायता करोगे। और तुमने स्वयं ही कहा था यदि विचार में परिवर्तन आ गया हो तो ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी चिंता छोड़ो, तुम जाओ। यदि भूख लगी तो बेर तोड़ के खा लूंगी। यदि वो बेर विषैले हुए तो मेरे भाग्य का दोष। यदि कोई हिंसक पशु
का आहार बन गई मैं तो उसकी किस्मत अच्छी मेरी बुरी, अधिक से अधिक मर ही जाऊंगी। ठीक है बस इससे आगे जाने की आवश्यकता है। इस वन से बाहर निकलने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, किंतु तुम्हें सतर्क रहना होगा, वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। चलो करो। मुझे साथ रहने का अवसर मिला है, अब कुछ ही क्षणों में ये मुझे पहचान लेगा। कुछ कहा तुम? ध्यान रहे, इस भेड़ वन में थोड़ा सतर्क रहने की भी आवश्यकता है, जाने किस पग पर कौन सा जोखिम आ जाए। व्यक्ति जितना भी संभल कर रहे उतना। क्या कह रहे थे तुम? सतर्क हो कि चलना चाहिए? मेरा उपहास नहीं करो, मेरी सहायता करो। देखो इस वन से मैं केवल तुम्हें निकाल सकता, मेरी सहायता कर। पहले मुझसे निवेदन करो, फिर। मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी सहायता कर। ठीक है। अपनी शक्ति अपनी विद्या इन्हीं कार्यों में व्यर्थ करते रहो तुम। तुमने मुझसे कहा था यदि मैं अपने आप को शैतान को समर्पित कर दूंगा तो 100 पुरुषों के समान शक्तिशाली बन जाऊंगा। ये रात्रि मेरे अधीर हो जाएगी, ये निशाचर मेरे अधीर हो जाएंगे। स्मरण है तुमको? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, स्मरण है तुमको? परिणाम क्या हुआ? शून्य। शत्रु जीवित भी है और सफल भी। शुभात उसका भाई उसकी माँ महल में वापस लौट कर आए हैं, पहले से ज्यादा सक्षम होकर। वो उदासी धर्मा आंखें तरेर रही है, वो मेरी माँ को चेतावनी दी है उसने। यदि मेरे पुत्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा की या उसे एक खरोच भी आई तो उसी क्षण सम्राट को क्या पूरे मगध को आपके दुष्कर्मों के बारे में पता चल जाएगा। रेत की तरह सब कुछ फिसलता जा रहा है मेरे इन हाथों से। अभी तो वो तुझ अशोक आया नहीं है तो यह स्थिति है, कभी वो लौट कर आया तो क्या होगा।
अपनी अक्षमताओं का, अपने आक्रामकताओं का दोष मत मढ़ो मुझ पर। तुम किस ओर जा रहे हो? अपने लक्ष्य की ओर। क्या है तुम्हारा लक्ष्य? और मातृभूमि की सेवा करना। तो फिर तुम मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारा और मेरा उद्देश्य तो एक ही है। तुम मेरे साथ पाटलिपुत्र क्यों नहीं चलते? तुम्हें ना केवल राजभवन से, आप ही तो मगध साम्राज्य से भी निर्वासित करता हो। आज से तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं, नहीं। समझ लो, फिर से हमारा हो गया। तुम नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों? यदि तुम्हें अपना स्वप्न साकार करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है, तो तुम्हें अपने घर से, मेरा स्वप्न उस घर से कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता जहां मेरे पिता रहते हैं। बचपन से ही उन्होंने मेरे स्वप्न को छीनने का, मेरे लक्ष्य को समाप्त करने का प्रयास किया है। पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने पुत्र को प्रोत्साहित करे, उसका समर्थन करे कि वो अपने जीवन लक्ष्य की पूर्ति कर सके। तो मेरे पिता ने मुझे दंड दिया, यही ना? क्रोध में आकर तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचपन में दंड दिया था, तो उसे कब तक अपने हृदय में बिठा कर रखोगे? कब तक अपने पिता से दूर रहोगे? यदि तुम्हारे पिताजी ने अनुचित व्यवहार किया, क्या तुम उचित व्यवहार कर रहे हो? यदि उन्होंने पिता के दायित्वों का निर्वाह नहीं किया, तो क्या तुम पुत्र के दायित्वों का निर्वाह कर रहे हो? तुम जितना सरल इसे समझ रही हो, तुम्हारा सरल ये सब है नहीं। मैं अपने पिता से क्रोधित हूं, परंतु यही एकमात्र कारण नहीं है मेरा उस घर में ना जाने का। उस घर में कई नकारात्मक शक्तियां हैं, कई बुरे लोग, पापी लोग वास करते हैं वहां, और जब तक मैं उनका अस्तित्व समाप्त नहीं कर देता, मैं वहां जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये तुम्हारी सोच, पर सत्य ये है, तुम्हें अपने घर में रहना चाहिए, उन नकारात्मक शक्तियों के आसपास रहना चाहिए, ताकि तुम उन पर अपनी दृष्टि बनाए रख सको, और जो भी तुम करना चाहते हो शीघ्र और प्रभावी ढंग से कर सको। घर में रहकर ही घर के भेदियों को तुम दंड दे सकते हो। यदि प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करनी है, तो प्रतियोगिता में सम्मिलित रहना, बने रहना आवश्यक है। यदि रण में विजय प्राप्त करनी है, तो रणभूमि में रहना आवश्यक है। यदि वास्तव में तुम कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आवेग, अपने आवेश पर नियंत्रण पाना होगा। बड़े हो गए, बच्चों जैसा व्यवहार छोड़ दो। तुम्हारे लिए तुम्हारा अहम महत्वपूर्ण है या स्वप्न? मेरी बात मानो, अपने घर लौट जाओ, वहां रहकर अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करो। प्रश्न ना ही मेरे अहम का था और नहीं कभी हो सकता है। बात उस व्यक्ति के दुर्व्यवहार की है जो मेरे प्रेरणा स्रोत थे, जिनके मान सम्मान में मेरा मान सम्मान था, जिन्होंने कभी भी मुझ पर विश्वास नहीं किया, अपमानित किया मुझे, मेरी माँ को अपमानित किया, कभी भी सत्य जानने का प्रयास नहीं किया उन्होंने, हमें दंड दिया और हमें प्रताड़ित किया। तुम नहीं समझोगे, मुझे विलंब हो रहा है। अरे तुम चाहो तो जाने की अनुमति दे सकती हो। मैं अनुमति देने वाली कौन होती? Thank you.
मेरी शक्ति का मूल्यांकन नहीं कर सकते तुम। मैं तुम्हें शक्ति दे सकता हूँ, ये नहीं सिखा सकता कि उसका प्रयोग कब और कैसे उचित ढंग से करना है। मैंने तुम्हें दुष्ट से दानव बनाया, वर्षों की साधना कर तुम्हें सशक्त बनाया है। इसके उपयोग के लिए तुम्हारे पास 10 वर्ष थे, पर तुमने समय को व्यर्थ गवा दिया। मैंने भविष्यवाणी की थी कि यह तुम्हारे लिए उपयुक्त काल है, उपयुक्त समय। जो करोगे फलीभूत होगा, कुछ भी निष्फल नहीं होगा। परंतु तुमने अवसर और समय का सदुपयोग नहीं किया, तो क्या मेरा दोष है? तुम अपने पिता के समक्ष इतने विवश थे कि जब अशोक निर्वासित था, मगध से बाहर था, तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। समय परिवर्तनशील होता है, कभी एक जैसा नहीं रहता। कल तक तेरा समय अच्छा था और उसका बुरा, परंतु अब समय का चक्र घूम चुका है। अशोक लौटा इसका अर्थ यह नहीं कि लौटेगा नहीं, शीघ्र लौटेगा। और इस बार समय उसका साथ देगा, तुम्हारा नहीं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.